देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जख्म था, अभी तो उठ गया। सो जा हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मेरा नाम नेहा है एंड स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं सुबह उठी 6:30 मैं सड़क पर थी, तो मैंने एक देखा कि गाड़ी वाले ने एक पंछी को हिट कर दिया है ना। और मैं बोलती हूँ इतने बेवकूफ़ लोग कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम सड़क पे जा रहे हो, सड़क पे कुत्ते हैं, सड़क पे जानवर हैं, बिल्लियाँ हैं, नेवले हैं, कितने जानवर हैं जो सड़कों पे रहते हैं, ठीक है, आसमान में उड़ते हैं, वो तुम्हारी गाड़ी के आगे आ रहे हैं, तुम्हें पता लग रहा है वो तुम्हारी गाड़ी से टकरा गया, तुम एक बार बाहर निकल के देख लो वो जानवर ठीक है या नहीं है। उसको वो तो शुक्र है कि हम लोगों ने देख लिया, उसको घर ले आए। अगर नहीं देखते तो उसको बाकी जानवर खा जाते, उसको आवारा कुत्ते वगैरह या कुछ भी बिल्ली वगैरह, तो वो उसको खा जाते, वो नहीं देखता कोई भी नहीं उसको, वो तो पड़ी रहती। तो थोड़ी सी अक्ल लगाया करो, और अगर आप गाड़ी से मतलब जानबूझ के तो कोई हिट नहीं करता, अगर गलती से भी कुछ जानवर को किसी को तकलीफ होती है आपकी वजह से, तो उसको यार बाहर निकल के देख लिया करो एक बार। इतने भी कहीं देरी नहीं हो रही होती किसी को, कि तुम्हारा काम किसी की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, तो पहले बाहर निकल के एक बार देख लिया करो उनको। अभी तो मेरे पास अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, आप वीडियो देखोगे तो कुछ जान जाएंगे। कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहा है यार, हिल ही नहीं रहा है। वैसे तो ये ठीक है, मतलब आंखें खुली हुई हैं, पर हिल नहीं रहा है कुछ भी, और मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको चोट लगी है तो लगी कहाँ पे है। नहीं चिल्ला रहा ना कुछ नहीं, इसको शायद यहाँ पे कुछ चोट आई है, यहाँ पे, हाँ इसको यहाँ पे चोट आई है थोड़ी सी। इसको गाड़ी वाले ने सुबह सुबह टक्कर मार दी, समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। इसमें ना कुछ कुछ मोमेंट हो रही है, सांस ले रही है, तो पहले तो ये भी नहीं कर रही थी, पता नहीं इसको यहाँ पे चोट है यहाँ पे, और मेरे पास दवाई भी नहीं है एनिमल्स को लगाने वाली, और यहाँ पे कोई नज़दीक नहीं है, कोई एनिमल हॉस्पिटल भी नहीं है यार। मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम है, फ़ोन डेड हो जाएगा। आई होप कि भी उठ जाए इसके, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, इसके बाकी दोस्त भी आ जाएंगे। इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जख्म था यहाँ पे, तो मैंने दवाई लगा दी है, पता नहीं। चलो बाकी बर्ड्स आ गए हैं इसके पास, क्या
क्या पता इनको देख के थोड़ा ले। मैं पास नहीं जाऊंगी वरना बाकी पंछी उड़ जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता है कोई हेल्प कर रहा है इसमें। मेरे सो गया था अभी, ये देखो अभी तो उठ गया। सो जा सो जा। मुझे खरे बताने के लिए भूत होने यार हूँ। अभी थोड़ा ठीक है, मतलब थोड़ा हिल रहा है और थोड़ी थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रहा है, मतलब उसको दवाई लगाई थी मैंने, यहाँ पर चोट लगी थी और थोड़ी रेस्ट करके थोड़ी देर सो के हो सकता है ये बाद में उठ जाए, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ उसको कहीं खिला दूँ, मैंने उसको भी हाथ में पकड़ा और ये हाथ में सो गया, तो मैं उसको कहीं पर रखती हूँ और मतलब अगर ठीक हो के उठ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे फिर। तो अभी इसको यहाँ पे रखा है, मैं आंगन में ले आई इसको वहाँ से, और साथ में दूध भी रखा है इसको थोड़ा सा, पर इसमें कोई मतलब चेंज नहीं है, लाइक वैसा ही है जैसा था उस टाइम। और अभी टाइम जो है वो 9:30 हो गया, उस टाइम 6:30 थे, अभी 9:30 टाइम हो गया है। नीचे काम चल रहा है, उसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी। अभी मैं इसको अंदर ले जा रही हूँ। ओके तो शूजा बच्चा शूजा, मैं फ्लैश ऑफ कर देती हूँ, सॉरी। शूजा ये एक्चुअली सांस ले रही है, हिल भी रही है, बीच में सो जा रही है, बीच में उठ जा रही है, बट उड़ नहीं पा रही, उड़ने की कोशिश कर रही है तो गिर जा रही है, मतलब वैसे ज़्यादा चलने की कोशिश कर रही है तो गिर जा रही है। तो मैंने सोचा है कि जब तक ये प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती तो मैं इसको अपने पास रखती हूँ, और क्योंकि एक्चुअली यार डॉगी भी है घर में, तो फिर ऐसे इसके पास रख रही हूँ तो ये बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, बड़बड़ जलता है ये, फिर इसके पास रख रही हूँ तो बहुत भौंक रही है, मतलब इसके सामने रख रही हूँ अगर, तो फिर मैं इसको भी अंदर ले आई हूँ, और सुजू बाहर ही है तो फिर इस वजह से, और फिर मैं सोचूंगी तब तक इसको अपने पास रखूँ। और पानी पिलाया मैंने, पिया नहीं इसने, दूध पिलाया वो भी नहीं पिया। मैं भी देखती हूँ, चेक करती हूँ कि ऐसे ही है, क्योंकि अब मैं इसको ज़्यादा हिला भी नहीं सकती कुछ, इसको हो सकता है इसको अंदर से चोट लगी हो, है ना, तो फिर अब वो तो रिकवर होने में टाइम लगेगा। और इसने ना अभी अभी मूवमेंट की, जैसे लूज कर सकते हैं ना ऐसे करते हैं वैसे किया, क्यूट है। अब इस टाइम इसको फिर हंस लग रहा है। तो अभी इसने ना ऐसे मुंह खोला था थोड़ी देर पहले, तो मेरे को लगता है कि अब ये खाना खा लेगी, तो मैं इसको खाना खिला लेती हूँ। कोशिश तो कर रही हूँ मैं, पी पता नहीं क्यों मेरी अपना, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं इसको खिला दूँ है ना, एक तो सो ही जाती है कसम से। चलो उठो जल्दी, चलो 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 अभी आ जाओ, आओ आओ चलो। यार देखो मुझे लगता है ना इसकी शायद टांगे टूट गई, क्योंकि पंख तो इसके टूट गए हैं, चोट भी लगी है कहीं। चलो आ जाओ आ जाओ, चलो चलो उठो। मुझे लगता है ना कि सोना को ना सुजू की आवाज़ से बहुत डर लगता है, लाइक जब भी भौंकता है तो ये सोई हुई उठ उठ जाती है। कुछ मत करो, बस इसको देखते रहो, आराम से सो रही है। तो 12 बजे का टाइम हो रहा है अभी, और सोना बिल्कुल ना धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा चिल्ला रही है, थोड़ा थोड़ा सा अभी निकाली इसने सुबह से आवाज़। इसकी ना इस वाली लेग में लगी है, इस वाली लेग में, वो दूसरी ठीक है, ये मुड़ी हुई है और ये खोल भी मिल रही है, इसमें लगी हुई है शायद, मुझे नहीं पता है कैसे ठीक होगी। Go!
अभी अभी ना इसने एक दाना खाया है उसका चावल का, मैं इसको खाना खिलाऊंगी। वेरी गुड, इसने खाना खा लिया, मतलब करना तो जबरदस्ती पड़ रहा है, थोड़ा सा तो खा लिया। 2 बजे का टाइम हो गया यार, 2 बजे, और इसने कुछ भी नहीं खाया, मतलब वो खाया था थोड़ा सा, 1-2 दाने खाया और बाकी गिरा दिए इसने, मुंह से बाहर ही निकाल दिए सारे। अभी मम्मी भी खिला रहे थे तो भी इसने बाहर निकाल दिए, और फाइनली आई एम सो मच हैप्पी। उसने शी इज मूविंग, और वो खा रही है वो, ओह भगवान। वेरी गुड। उसका एक ही पाँव काम कर रहा है, और आई होप कि वो बहुत जल्दी उड़ने भी लगेगी। चलो अभी मैं इसको दूध पिलाती हूँ, क्या पता ये दूध पिएगी नहीं पिएगी। चलो पीलो। मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती, मेरे दोनों हाथ बिजी हैं। के लिए आज हमने घोंसला बनाया, शॉल है ये इसका, और इसको आज हम इसी के अंदर रखेंगे, है ना, मतलब इस रूम में नहीं रखेंगे, दूसरे रूम में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुजू होता है। इसके लिए मैं पूरा ऐसे इसको कवर करके चली गई थी चारों साइड से, ताकि अगर रात को बाहर निकले तो कहीं गिर ना जाए। ये तो अपने घोंसले में ही है ना सोना।
कहीं से। एक लेग जो है वो ठीक है बिल्कुल, और दूसरी लेग काम नहीं कर रही, तो उसने अपनी एक लेग से ऐसे इनको पकड़ लिया है, अपनी इस वाले की देखो मेरी रिंग फिंगर को इसने पकड़ा हुआ है, और ये बहुत उड़ने का ट्राई कर रही है, मतलब इसकी एक टांग नहीं लग रही तो उससे उड़न जा रहा, पर ये उड़ने का ट्राई कर रही है, और आई होप ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी। आगे सरकारी बस का और डिपर का एक्सीडेंट हो गया, परे तक गाड़ियाँ चली गई हैं, सारा रोड बंद है इस टाइम, मतलब जो घुमाने में सारा है, क्योंकि आगे जो है सरकारी बस का एक्सीडेंट हो गया है मोड़ पे, जहाँ पे पहले सरकारी बस और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था नसवाल में, वहीं पे सरकारी बस और डिपर का एक्सीडेंट हो गया है। # पापी मोड़। तो प्रे करते हैं कि ठीक हो लोग, जो लोग हैं अंदर उनको कुछ ना हुआ हो, बाकी तो क्या है रोड है यार, एक्सीडेंट तो चलते रहते हैं पर गलत कट मार जाते हैं लोग, पता नहीं क्यों। उसका जाना ज़रूरी था, ठीक हो गया जाना ज़रूरी था, और अगर आप लोगों को कोई ऐसा जानवर मिलता है तो या तो उसको एनिमल रेस्क्यू वालों के पास दे दें, या तो फिर उसको खुद ठीक करने आ जितना पॉसिबल हो सके उतना कर लें। बाकी अगर आपकी गाड़ी वगैरह से किसी की टक्कर होती है, आपसे किसी को कुछ लग जाती है ऐसे जानवर वगैरह को, तो उसकी केयर करें और उनको ऐसे आवारा ना छोड़ें। बस इसी के साथ वीडियो होती है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं करें, है ना, किसी की जान भी जाती है इसमें, तो ऐसा ना करें। एंड थैंक यू, बाय बाय।